नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। हम बात कर रहे हैं धार जिले के उमरबन जनपद पंचायत मुख्यालय की ग्राम पंचायत उमरबन कला की। स्वच्छ भारत अभियान के नियमों की धज्जिया सरपंच और मंत्री उड़ा रहे हैं। सरपंच रीना सोलंकी, सचिव सुरेश उजले, ग्राम पंचायत में लाखों रुपए स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के नाम और अन्य कामों में फर्जी बिल लगाकर निकाल रहे हैं। स्वच्छ भारत के नाम से लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। कई दिनों से शौचालय और नालियों की साफ सफाई ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। वहीं नालियों में कचरों का ढेर लगा हुआ दिखाई देता है। बारिश के मौसम में मच्छर नालियों में पनप रहे हैं और बीमारियों को आदेश दे रहे हैं। वहीं समुदाय स्वच्छ केंद्र पर रोजाना 90 से 100 मरीज रोजाना आ रहे हैं। वहीं एकमात्र शौचालय बस स्टैंड पर बना है, जहां पर 20 से 25 बसों का आवागमन रोजाना होता है। तकरीबन 60 से 70 गांव के ग्रामवासियों का आना जाना लगा रहता है। वहीं उमरबन विकास खंड मुख्यालय होते हुए भी बस स्टैंड पर शौचालय 5,50,000 से अधिक बना है, लेकिन साफ सफाई नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। साथ ही महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव मुख्यालय पर नहीं रहते, बड़वानी से सप्ताह में एक दो बार ही आते जाते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी उमरबन से संतोष चौहान की रिपोर्ट।